हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल EIQ। और यहाँ से हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के MCQs को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ये भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और इसके लिए भी हम लोग को काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा भाई। ओके, अभी ये जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका मास्टर लेक्चर होगा। जैसे मान लेते हैं आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है भाई कहीं पे, ठीक है, पहले से आपने नहीं पढ़ा है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर के। बिल्कुल शुरू से एकदम इंटरेस्ट बनाते हुए आपको समझाऊंगा। जैसे आप कोई भी बुक उठा लीजिए भाई, ठीक है, फिर चाहे आप 12th क्लास का कोई उठा लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या फिर कहिए आप इंजीनियरिंग में आकर के किसी भी बुक को उठा लीजिए और उसमें जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जब आप इस किताब का फर्स्ट पेज पढ़िएगा, सेकंड पेज पढ़िएगा, या फिर कहिए थर्ड पेज पढ़िएगा, तो आपको काफ़ी आसान लगेगा, लगेगा ये चैप्टर जो है काफ़ी ईजी है। जैसे फर्स्ट पेज में आपको बता देगा चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के चलते पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है। उसका फिर कूलम्स लॉ बता देगा कि अगर दो चार्ज है सेम प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस तो दोनों रिपेल करेगा, वही अगर डिफरेंट अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया था कूलम्स लॉ ने कि जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो इनका बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है। उसके बाद कोई भी बॉडी है अगर, तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे, नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था कि एक कंडक्शन मेथड होता है एक इंडक्शन मेथड होता है। ओके, तो 1, 2, 3 पेज जो होगा स्टार्टिंग का ये आपको काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद भाई यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ होने लगता है, और टेक्निकल वर्ड को अगर आप नहीं समझ पाते हैं या फिर ये प्रैक्टिकल लाइफ से उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, उस वर्ड का फीलिंग नहीं हो पा रहा है अगर आपको, तो सीधी सी बात है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो आपको कभी भी कैपेसिटर समझ में नहीं आएगा जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, और अगर कैपेसिटेंस को अगर आप नहीं समझ पाए तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट जब आइएगा तो उसमें आपका क्या होता है, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर को एक तरीके से यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस मेथड यूज़ किया जाता है। तो बहुत कुछ जो है आपका भाई आगे चल करके दिक्कत करने लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेस बनाते हुए काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ों को समझेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है इस चैप्टर का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, या फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। और एक चीज़, इससे पहले वो लेक्चर में मैंने ये सब बताया होगा आपको, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये पूरा पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तब जाके आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, और आपका हमेशा जो रेशियो होना चाहिए ये 3:5 का होना चाहिए भाई। 3:5 का मतलब क्या है कि अगर आज की डेट में आपने 3 क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है 2 दिन का गैप लेकर के, और फिर आगे 2 क्वेश्चन आपको एक नया ऐड करना होगा। मतलब 2 चीज सीख रहे हैं तो सीधी सी बात है पीछे का आपको 3 चीज रिवाइज करना है, तब जाकर के आपका बैकअप बना हुआ रहेगा। तो अभी हम लोग सबसे ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर नए चीजों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, तीव्रता, ठीक है। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कोई मोमबत्ती है आपके पास, और अगर ये मोमबत्ती एक तरीके से जल रहा है इस तरीके से, तो अगर आप अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको जल्दी बर्निंग महसूस नहीं होगा, काफ़ी देर तक अपने हाथ को यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको नज़दीक लेके आएंगे, काफ़ी नज़दीक लेके आएंगे, तो आप यहाँ पे अपने हाथ को ज़्यादा देर तक रख नहीं पाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफ़ी नज़दीक है इस मोमबत्ती के, इसलिए क्या है यहाँ पे जो हीट का इंटेंसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपका हाथ जल्दी जल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब रखिएगा तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंस कम है, यानी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है तो आप ज़्यादा देर तक वहाँ पे रख सकते हैं, आपका हाथ जलेगा नहीं। जैसे रियल लाइफ में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप जून जुलाई के महीने में बाहर निकल जाइएगा, ठीक है, तो क्योंकि सनलाइट काफ़ी इंटेंस होता है, ठीक है, इंटेंस क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग इंडिया जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, और गर्मी के टाइम में आपका जो सन होता है वो सन भी कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है भाई। तो जो सनलाइट का जो रोशनी आ रहा है, फिर जो रे आ रहा है वो काफ़ी इंटेंस होता है, तो आपके स्किन को या फिर कहिए आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगा। और वही अगर आप बरसात के महीने में या फिर सर्दी के महीने में, तो वहाँ पे क्या होता है, सन जो है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में चला गया है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पे आपका जो
किरण आ रहा है, सन का जो रेज आ रहा है वो काफ़ी फीका होता है, तो आपको कभी भी यानी इंटेंस कम हो जाता है, उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए लोग गर्मी भी कम लगता है, राइट। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, कितना तीखा है वो। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज मतलब क्या है, ये प्रोटॉन के चलते आता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के चलते आता है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैठे हुए हैं उनके चलते आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये अगर चार्ज है तो सीधी सी बात है ये अपना क्या करेगा, अपना एक फील्ड बनाएगा, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड दिखाते हैं हम लोग बाहर की तरफ दिखाते हैं इस तरीके से, राइट। और इस फील्ड में आपको पता है, इस फील्ड में अगर कोई हम लोग बाहर से यानी इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हमेशा बताया वन यानी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होगा और यूनिट चार्ज होता है यानी वन कूलाम का चार्ज होता है। तो जब आप बाहर से इन्फिनिटी से अगर आप किसी भी चार्ज को इस फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने रखा, पहले ये मान लेते हैं पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं सी है, क्लियर हुआ। तो सीधी सी बात है ये जो चार्ज है क्यू, इस क्यू से अगर हम लोग देखें ए पॉइंट का डिस्टेंस, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं भाई आपका है 5 सेंटीमीटर, ऐसा समझिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है ये जो चार्ज उठा करके ला रहे हैं तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मान लेते हैं F1 लग रहा है, या फिर कहिए A पॉइंट पर रखा हुआ हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को, तो FA लग रहा है। तो इस FA का मैग्नीट्यूड बताइए, फोर्स कितना लगेगा A पॉइंट पे अगर हम लोग इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है फोर्स कूलम्स लॉ ने दिया आपने सेकंड लॉ के अंदर, तो ये जो चार्ज है इसका नाम रख देता हूं मैं कैपिटल क्यू, ठीक है। तो सीधी सी बात है कैपिटल क्यू इनटू जो दूसरा चार्ज है ये मेरा क्यू नॉट है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन ER, मान लेते हैं एयर में रखा होता है, एयर के लिए ER क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या है 5 का स्क्वायर, मैंने मान लिया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये जो है फोर्स लगेगा इसके ऊपर बाहर की तरफ, यानी इसको धकेलेगा। अब देखिए अगर हम लोग सेकेंड बी पॉइंट पे देखें, तो बी पॉइंट क्योंकि थोड़ा सा नजदीक है भाई, ये बी पॉइंट देखें ना, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस पे है ना, इसका मान लेते हैं ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब सीधी सी बात है जब इस सेम चार्ज को बाहर से ला करके इस बी पॉइंट पे रखिएगा, इस बी पॉइंट पे रखा हुआ है अभी, तो यहां पे फोर्स बताइए क्या होगा, बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा ये अगेन हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस की जगह 4 का स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग FA की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू अगर इसी चार्ज को हम लोग बी पॉइंट पर रखेंगे तो, क्योंकि यहां पे बी पॉइंट में क्या है डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है एज कंपेयर टू ए पॉइंट के मुकाबले, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस कम है तो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स बी पॉइंट पे लगेगा ये हमेशा बड़ा होगा जो फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे उसके मुकाबले, और उसी तरीके से जब हम लोग इस टेस्ट चार्ज को उठा करके सी पॉइंट पर रखेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस और काफी कम हो गया है, तो सीधी सी बात है जो फोर्स लगेगा सी पॉइंट पे वो सबसे बड़ा होगा, क्लियर हो गया, यानी एफ बी से भी बड़ा होगा। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज को इसके फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, बाहर तक धकेलेगा। अब एक चीज समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई, तीव्रता क्या होता है किसी भी फील्ड का। जैसे अगर मैंने ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, ठीक है, टेस्ट चार्ज को रखा है, तो जिस फोर्स से इसको धकेलेगा, जितने फोर्स से धकेलेगा वही उसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर यहां पे मैं डिफाइन करूं, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो ऐसे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये कुछ नहीं होता है भाई, ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट मींस टेस्ट चार्ज व्हेन वी आर
मतलब जब हम लोग इसको बाहर से इन्फिनिटी से बाहर मतलब इन्फिनिटी से इसको ए पॉइंट पर रखना है, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, मतलब जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वही इसका क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पे रख रहे हैं उठा करके, तो बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वही उसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो बी के मुकाबले कम लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है भाई इस फोर्स के मुकाबले कम है। एफ ए जो है ये आपका छोटा है एज कंपेयर टू एफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट का, क्योंकि यहां पे फोर्स कम लग रहा है तो सीधी सी बात है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये कम होगा एज कंपेयर टू इस बी पॉइंट का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसके मुकाबले, क्योंकि बी पॉइंट पे फोर्स आपका ज्यादा लग रहा है, समझ गया। और सी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो सी पॉइंट पे और ज्यादा इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। और उसी तरीके से अगर हम लोग और एक पॉइंट ले ले, मान लेते हैं डी पॉइंट ले ले रहा हूं, तो डी पॉइंट और काफी नजदीक हो गया है तो सीधी सी बात है यहां पे फोर्स आपका रिपल्शन फोर्स और ज्यादा लगेगा, और फोर्स और ज्यादा लगेगा इसका मतलब क्या हुआ, यहां का जो इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, फिर ये फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, और मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ भाई तो अपने मर्जी से नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, हमेशा बुक का स्क्रीनशॉट रखता हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो। देखिए क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा दूसरा पेज खुल गया भाई, एक मिनट रुक जाइए, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे थ्योरी वाला पेज लगता है मैंने अटैच नहीं किया, ओके कोई नहीं, अगर आपके पास वी के मेहता का बुक होगा तो पेज नंबर आप देख लीजिएगा, यही तो है 270, देखिए यही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अभी छोड़ दिए पॉइंट चार्ज क्या होता है छोड़ दिए, बस अभी इंटेंसिटी समझिए क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर कहिए फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा किस पॉइंट पे, यहां पे देखिए जो मैंने डायग्राम से समझाया भाई उस डायग्राम से बुक में नहीं समझाएगा, ये बड़ा शॉर्टकट मारता है। देखिए इसने क्या दिखाया है कि एक मेरे पास मेन चार्ज है Q, ठीक है, अब सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बना रहा होगा बाहर की तरफ, तो इसने एक पॉइंट ले लिया ये P पॉइंट। क्लियर हुआ। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग बाहर से एक टेस्ट चार्ज को यानी इन्फिनिटी से अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को इस P पॉइंट पे रखेंगे, या फिर कहिए सीधी सी बात है अगर इस चार्ज के चलते आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है या फिर फील्ड स्ट्रेंथ बताना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पर रखेंगे, और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ये हो जाएगा आपका Q0, और Q0 का वैल्यू क्योंकि हमेशा 1 होता है तो Q0 बुक में लिखेगा नहीं, ठीक है भाई, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं Q0 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4πε0 ER, और यहां पे जो डिस्टेंस है ये डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डी मान रखा है यहां पे, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा यही फोर्स क्या हो जाता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है एट पॉइंट P के लिए। क्लियर हुआ। तो वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यहां पे P पॉइंट लिखा हुआ है, तो E बराबर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा फोर्स, आई होप ये दिख रहा होगा, फोर्स ऑन प्लस 1 कूलाम, मतलब इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, मतलब फोर्स जो लगेगा 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब इसको हम लोग प्लेस करेंगे इन्फिनिटी से उठा करके पी पॉइंट पे। क्लियर हो गया। और हम लोग को पता है 4πε0 मान लेते एयर में रखा हुआ तो सीधी सी बात है ER का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4πE0 का जो वैल्यू है इसने K मान रखा, कितने के बराबर होता है,
9 गुना 10 का पावर 9, ठीक है। बाकी आपका ये मेन चार्ज क्यों हो गया इनटू जो आपका टेस्ट चार्ज है उसका जगह 1 लिखा है, लेकिन हम लोग वहाँ पे क्यू नॉट रख रहे हैं, वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ER हो जाएगा, कोई भी मीडियम होगा, अगर एयर नहीं होगा, एयर होगा तो 1 हो जाएगा, एयर नहीं है तो ER लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कोई भी चार्ज को अगर आप उठा करके किसी भी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वही उसका क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। और हर एक पॉइंट पे, पॉइंट को अगर आप चेंज कीजिएगा तो सीधी सी बात है आपका हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा, और फोर्स अलग अलग लगेगा तो सीधी सी बात है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे ER को इसने लिखा, उसमें तो क्या ये मीडियम के लिए हो गया, और एयर के लिए ER का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया, इसलिए यहाँ पे एयर लिख दिया है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के बाद भाई, अब हम लोग का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ये है आपका, देखिए इसी में आते हैं। और अभी जो हम लोगों ने निकाला है ये टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। यहां पे एक सिंगल चार्ज रखा हुआ था, समझ रहे बात को भाई, यहां पे आपका एक सिंगल चार्ज रखा हुआ था जिसका नाम मैंने क्यू रखा हुआ है, और इस सिंगल चार्ज के चलते आपने क्या किया, एक पॉइंट पे, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, पी पॉइंट लिया बुक में, इस पी पॉइंट पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। और क्या है इसका फॉर्मूला, जो भी फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगा जो आपका फोर्स लगेगा। और यहां पे आपने कौन सा चार्ज रखा हुआ, टेस्ट चार्ज रखा हुआ, तो सीधी सी बात इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4π E0 ER, और जो डिस्टेंस हम लेते हैं डी मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या है, ये जो आपने इंटेंसिटी निकाला है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, यहाँ पे एक ही चार्ज था, एक चार्ज का जो फील्ड बन रहा है, ये पूरा जो फील्ड बन रहा है उसमें किसी एक पॉइंट का आपका ये इंटेंसिटी है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसी वाले पेज में, और इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगर एक से अधिक चार्ज होगा, अगर भाई एक से अधिक चार्ज होगा तो वहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वही वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बताना है, लेकिन यहां पे बताना है ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब एक से अधिक चार्ज है यहां पे। ओके, तो एक से अधिक वाले चार्ज को हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले मैं अपने हिसाब से समझा देता हूं, उसके बाद फिर बुक को पढ़ लेंगे। देखिए मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, इसका नाम रख देता हूं क्यू। दूसरा चार्ज है मान लेते हैं, अब इसको डाइपोल मत समझिएगा, ठीक है, बस समझिए इसका कुछ अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसका कुछ अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। एक माइनस चार्ज है, इसका मान, इसको मान लेते Q1 है और इसको मान लेते Q2 है, यानी अब जो है मैंने एक से अधिक चार्ज को लिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो चार्ज हो गए, अब सीधी सी बात है ये दोनों अपना फील्ड बनाएगा, राइट, इसका अंदर की तरफ आएगा फील्ड, ऐसे 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 ऐसे, इसका क्या होगा, एक तरीके से बाहर की तरफ होगा। तो मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे, मान लेते हैं आप चाहे जो पॉइंट है ये आपका P है, तो इस पॉइंट पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। क्लियर हो रहा है, आई होप कि ये सब दिख रहा होगा भाई, क्योंकि बैकग्राउंड आपका ग्रीन कलर का, तो मैं ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखिए इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना, तो अभी जस्ट बताया कैसे निकालते हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इन्फिनिटी पे, मान लेते हैं आपका इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से यानी बाहर से एक टेस्ट चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पे रखेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये जो क्यू नॉट आपने रख दिया इस P पॉइंट पे, तो इस क्यू नॉट के ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक तो इसके कारण, यहां पे हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम यूज होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो सुपर पोजिशन थ्योरम अगर हम लोग डीसी नेटवर्क की बात करें, फिर एसी नेटवर्क की बात करें, तो हम लोग क्या करते थे बताइए, सुपर पोजिशन थ्योरम कहां यूज होता था, जब हमारे सर्किट में एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या फिर कहिए करंट सोर्स एक तरीके से रहता था। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है, राइट, और एक बैटरी मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर हुआ। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सुपर पोजिशन थ्योरम यूज करते थे। ये मान लेते आपका V1 है, ये मान लेते आपका V2 है, तो वहाँ पे क्या करते थे, जब आप V2 को कंसिडर करेंगे, इस सोर्स को लेके लेंगे, तो इसका मेरे को डेड करना पड़ता था। क्लियर हुआ।
और अगर इसको ले रहे हैं तो उसको मुझे डेड करना पड़ता था, ठीक है। तो यही वाला प्रिंसिपल जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, इसको मैं डेड कर रहा हूँ, मान लीजिए है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसिडर करें, यानी Q2 को जब हम लोग कंसिडर करेंगे, Q2 को अगर लेके चल रहे हैं तो Q1 को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए इस चार्ज के चलते इसके ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, फोर्स ड्यू टू, यहां पे लिख देता हूं Q2, क्या होगा फोर्स बताइए, ये हो जाएगा ये वाला चार्ज, और ये वाला चार्ज क्योंकि माइनस है तो माइनस यहां पे लगा देता हूं, माइनस Q2 इंटू ये चार्ज का टेस्ट चार्ज यानी Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 ER। और यहां पे मान लेते हैं डिस्टेंस जो है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस मान लेते हैं मेरा एक्स मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो फोर्स लगेगा ये इसको अंदर तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है FQ2, ये मान लेते हैं इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। और मैंने आपको बताया था जो भी फोर्स लगेगा इस Q2 के कारण इस Q0 के ऊपर, वही उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, यानी इस डायरेक्शन में, देख रहा फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर से रिवाइज करवाता हूं कैसे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी हो जाता है, कैसे, देखिए फिर से रिवाइज करवाता हूं भाई। ये मान लेते हैं मेरा प्लस चार्ज है, क्लियर हुआ, तो अपना ये फील्ड बनाएगा, बाहर तरफ फील्ड बनाता है हमेशा। अब देखिए हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं Q0, तो Q0 को इसके फील्ड में लेकर के आइएगा, तो सीधी सी बात है फोर्स कैसे लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स जो है कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर की तरफ जा रहा है, समझ गए बात को, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इसका क्या होता है, फील्ड लाइंस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा उसी डायरेक्शन में। और वही अगर मैं सेकंड केस लूं, मान लेते मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज के केस में इसका जो फील्ड लाइन होता अंदर की तरफ होता, ठीक है, ऐसे होता। अब मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा नहीं, बस समझिए। तो इन्फिनिटी से अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज को उठा करके इसके फील्ड में लेकर के आते, तो बताइए ये माइनस है और ये आपका Q0 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो सीधी सी बात है सब फील्ड लाइन भी अंदर की तरफ है, देख ही रहे हैं आप, तो सीधी सी बात है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कौन सा लेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी डायरेक्शन को लेते हैं, क्लियर हो गया। यही मैंने यहां पे दिखाया है कि फोर्स इधर लग रहा है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन वही होगा। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये सब जो फालतू चीज आ गया है, ओके, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डेड करेंगे, इसको मान लीजिए है ही नहीं यहां पे, अब Q1 को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पहले ले लेते हैं, मान लेते हैं जो डिस्टेंस है आपका, ये मान लेते हैं भाई ये आपका a मीटर है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस ले सकता है, अभी समझा रहा हूं मैं आपको, उसका बुक को फॉलो करेंगे, मतलब Q1 से लेके ये पॉइंट P जो है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, यहां तक जो डिस्टेंस a है, तो सीधी सी बात है भी पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज भी आपका पॉजिटिव होता है, तो फोर्स क्या लगेगा बताइए, फोर्स ड्यू टू Q1 ये वाला चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय 4πE0 ER, और डिस्टेंस यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इसको बाहर तरफ धकेलेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और जो फोर्स लगता है वही इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है, और इसका डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में। ऐसे तो वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के लिए दिखा रहा हूं, डायरेक्शन से दिखा रहा हूं, ठीक है, ऑलरेडी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यानी जब आपका ग्रुप ऑफ चार्ज होगा इस तरीके से, मान लीजिए और भी चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इस तरीके से सुपर पोजिशन, यानी एक दूसरे को स्विच करके डेड करके एक को कंसिडर करें तो बाकी सबको डेड मानना पड़ेगा, उस तरीके से आप क्या कीजिए, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल लीजिए, और हर एक फोर्स के चलते उसका हर एक का इंटेंसिटी होगा। और यहाँ पे अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, इसके इंटेंसिटी आ गया, एक तो आपका EQ2 जिसका डायरेक्शन इधर है, और दूसरा है आपका
ई क्यू वन मतलब क्यू वन के चलते, ठीक है, और ये क्या है इधर की तरफ है, तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले देखें दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई क्यू टू प्लस ई क्यू वन, ठीक है। ई क्यू टू क्या है, ये माइनस में था आपका, माइनस क्यू टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, मतलब ये भाई कॉमन लेके, ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पे दोनों एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा, सबसे पहले बड़ा देखते हैं कौन सा बड़ा है, ई क्यू टू बड़ा है या फिर कहिए ई क्यू वन बड़ा है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे ये और ये वाला वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो सेम है, 4 पाई ई नॉट ई आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब क्या हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बचा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है, अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में देख रहे हैं भाई जो डिस्टेंस है, ठीक है, माइनस क्यू टू से लेकर के क्यू नॉट के बीच में ये एक्स है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ देख रहे हैं भाई कि एक्स जो है काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू ए डिस्टेंस के मुकाबले, यानी एक्स जो है मेरा काफ़ी छोटा डिस्टेंस है, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब क्या इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ये एज कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ पे जो ए स्क्वायर है काफी बड़ा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर, तो सीधी सी बात डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पी पॉइंट पे भाई जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किसका होगा, ड्यू टू ई क्यू टू, ठीक है। अब भाई ये कॉमन लेकर आपको माइनस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेस बना रहा हूँ कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिंगल चार्ज के चलते कैसे निकालेंगे, मल्टीपल चार्ज के चलते कैसे निकालेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं, आप टेस्ट चार्ज को रखिए, जो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा वही उसका इंटेंसिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आगे, कहाँ गया हम लोग का, देखिए ये जो पहला था ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कूलम्स लॉ ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि कूलम्स लॉ मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए, भाई यही तो ले रहे हैं, यही तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है तो ये फील्ड बनाएगा, और फील्ड बनाएगा तो सीधी सी बात है अगर आप कोई बाहर से इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को उसको लेकर के आइएगा, तो क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ऐसे भाग रहा है, ठीक है, फील्ड बाहर की तरफ है और आप इसके अंदर आना चाहते हैं, फिर कहिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको आप अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स डाल रहा है भाई, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स यानी बाहर तरफ धकेलेगा, तो सीधी सी बात है इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब दीजिएगा तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको पता है कि वहाँ पे वर्क डन होता है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे कॉस थीटा भी होता है, तो कॉस थीटा क्या मतलब होता है भाई, उतना हम लोग डेप में नहीं जाएंगे, बस समझिए आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स डाल रहे हैं जिससे चलते डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अभी क्या है इन्फिनिटी पॉइंट पे है, अब मान लेते आपने इसको कहाँ पर रख दिया, बी पॉइंट पर रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, यानी इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने वर्क डन किया है वही इसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। तो मुझे बताइए इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो भी आपने काम किया, मान लेते हैं W किया, ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, V से बोलते हैं भाई, ये क्या होता है, W बाई क्यू होता है, और W बाई क्यू, क्यू का मतलब क्या, ये टेस्ट चार्ज को यहां पे रखते हैं, क्यू नॉट हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि भाई हम लोग टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, इस पे काम करके इसको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, यानी जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर आप कर रहे हैं, ठीक है, समझ में, यानी एक यूनिट चार्ज को, आगे में कुछ नहीं छुपा तो वन छुपा है, तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस यूनिट चार्ज के ऊपर उसको फील्ड में लाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है, मैंने क्या बोला सो, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा पेज नंबर देख देता हूँ बुक का, अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समझ में आ गया तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आना चाहिए। ओके, यह है आपका पेज नंबर 278। देखिए यह है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। डायग्राम से समझा देता हूँ फटाफट, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है और ये सब अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स लेकर के उसको पढ़िए आराम से, उसमें सब चीज़ बहुत ही डिटेल में और धीरे धीरे करके बताया गया। ये आपका एक चार्ज था, तो चार्ज है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अभी जो मैंने समझाया वही चीज़ बताया भाई, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसने एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट इसने कंसिडर किया, बोल दिया कि बाहर से आप क्या कीजिए, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को आप कहाँ रखिए, इस ए पॉइंट पर रखिए। और ये जो ए पॉइंट है कहाँ पे है, ये जो क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ए पॉइंट है, तो सीधी सी बात है भाई, जो भी आप काम कीजिएगा इसके ऊपर इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट पे लाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। वही सब थ्योरी में लिखा हुआ, अब थ्योरी में पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपका एमसीक्यू चल रहा था, इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है। ये जो क्यू है ये आपका मेन क्यू नहीं है, ये वाला क्यू नहीं है, ये टेस्ट चार्ज होता है हमेशा, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देखिए क्या बोलता है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए क्या बोलता है, वेयर डब्ल्यू इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द, और ये जो क्यू है भाई यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन इस क्यू को समझिए टेस्ट चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब वन कूलम चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर हुआ। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये क्या है, प्लस वन कूलम, ठीक है। तो ये जो V इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इक्वल टू जो फॉर्मूला है भाई W बाई क्यू, ये वाला यहाँ पे जो Q है ये हमेशा टेस्ट चार्ज होता है, ये आपको दिमाग में रख लेना, क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग यहां पे एक डेरिवेशन करेंगे, और ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए। हम लोग यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, और यहां पे एक चीज और है, छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको भी समझा देता हूं। देखिए सीधी सी बात है, ये आपका चार्ज है, उसी तरीके पीछे वाला केस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वोल्टेज का फॉर्मूला जो देखा, ये क्यों चार्ज रखा हुआ है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरीके से, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसने दो पॉइंट रखा हुआ है, एक तो ये बी पॉइंट है आपका, और एक पॉइंट यहाँ पे ए रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज को उठा करके पहले आप बी पॉइंट पर रखिए, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, ये जो बी पॉइंट है यहां पे जब आप रखिएगा Q नॉट को, तो सबसे पहले मेरे को बताइए फोर्स क्या लगेगा। फोर्स को हम लोग डायरेक्टली उस तरीके से बार बार नहीं करेंगे, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड 4π, इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग को पता है सीधे सीधे फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, आर स्क्वायर के ऊपर। तो देखिए ये जो क्यू है, क्यू से ये बी पॉइंट काफी दूरी पे है ना, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस ज्यादा है, तो सीधी फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा, क्योंकि ये बी प्लस, ये बी प्लस है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, काफी कमजोर होगा, कमजोर होगा, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कमजोर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से इसको उठा करके इस बी पॉइंट पर रखने के लिए आपको बहुत हल्का सा काम करना पड़ेगा, हल्का सा फोर्स डालना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा आपको, क्योंकि भाई ये रिपेल नहीं कर रहा ना, समझ रहे बात को। लेकिन वही अगर हम लोग इस ए पॉइंट की बात करें, तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी कम हो गया, यानी यहाँ पे अब जो डिस्टेंस था भाई ये कम हो चुका है, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ गया, इसका मतलब क्या, ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इंटेंसिटी हाई है इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको उठा करके इस ए पॉइंट पर लाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। और मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाइएगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया था। यानी ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वी ए, ये हमेशा बड़ा होगा किसके मुकाबले, बी के मुकाबले, क्लियर हुआ। अब सीधी सी बात है, ये बड़ा है मान लेते हैं 10 वोल्ट है, और ये मान लेते हैं ये आपका कितना हो जाएगा, मान लेते हैं आपका 8 वोल्ट है, ठीक है भाई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस कीजिएगा 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, यानी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट का हो गया, बस यही यहाँ पे इसने बोला है भाई। ये 10 वोल्ट मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को इस बी पॉइंट पर लाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं तभी तो वोल्टेज होगा,
W by Q, समझ गए? तो जो आपने वर्क डन किया इसको यहां से उठा के यहां पे लाने के लिए कम किया होगा, इसलिए यहां पे जो वोल्टेज एट बी पॉइंट वो कम है। सेकंड केस में ए पॉइंट को उठा के लाया, वहां पे आपने ज्यादा वर्क डन किया है, ठीक है, चार्ज तो वही है ना क्यू नॉट, लेकिन वर्क डन का अंतर हो जा रहा है, कहीं पे ज्यादा कर रहे हैं कहीं पे कम कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से डेरिवेशन चलेगा अब आपका। देखिए क्या है, और इसको नोट्स बना के चलिएगा भाई, ठीक है, दिमाग में घुसेगा नहीं, अली बता दे रहा हूं मैं। देखिए क्या बोलता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये हम लोग का लास्ट डेरिवेशन होगा, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ओके, क्या बोलता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अभी इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको रिवाइज दो चीज मैंने आपको समझाया, एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्लियर हो गया, और दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, ठीक है, मतलब, और दोनों केस में क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आ रहे थे उसके फील्ड में, क्लियर हुआ? तो फर्स्ट केस में क्या था, जितना फोर्स लगेगा रिपल्सन का वही उसका इंटेंसिटी हो जाएगा, सेकंड केस में क्या है कि जो भी आपने काम किया उसको लाने के लिए वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता है टॉपिक पढ़िए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अभी हम लोग को पता है, सीधी सीधी बात है, अभी हम लोगों ने देखा भाई ऊपर वाले में, ऊपर वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप इन्फिनिटी से कोई भी टेस्ट चार्ज को उठा के ए पॉइंट पर रख रहे हैं तो इस ए पॉइंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अभी तो मैंने आपको डेमो के लिए समझा दिया 10 वोल्ट होगा, वहां पे 8 वोल्ट बता दिया, लेकिन उसको आपको मैग्नीट्यूड के रूप में समझाना होगा ना, मैग्नीट्यूड कुछ होना चाहिए ना, तो हम लोग वही फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्या बोलता है, और हम लोग यहां पर इसका सिर्फ और सिर्फ इसका डायग्राम यूज करेंगे, बाकी अपना खुद का डेरिवेशन करेंगे। देखिए क्या बोलता है भाई, बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से चारों तरफ। तो अब इसने बोला कि इस पी पॉइंट पे आप मुझे बताइए कि यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे, यहां पे लिखता हूं, ये क्या होगा, जो भी आपने काम किया इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को उठा के लाने के लिए इस पॉइंट पे, वही क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं, सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हुआ, और कॉस थीटा भी लगा देता हूं यहां पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब कॉस थीटा का क्या अंतर होता है, साइन थीटा क्यों नहीं लिखते भाई, तो ये सब भाई बहुत, ये सब मतलब वेस्ट हो जाता है, ठीक है, हर जगह ये सब बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा आपका। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे जैसे अगर तिरछा अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, क्योंकि फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर है तिरछा लगा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे लगाते तो पूरा पूरा फोर्स क्या होता, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई एकदम 90 डिग्री एंगल बना के फोर्स लगा रहा है, और तो सीधी सी बात है मेरे को इस तरीके से धकेल रहा, तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, पीछे हो जाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो भी फोर्स लगाया वो पूरा का पूरा फोर्स यूटिलाइज हो गया, लेकिन अगर वो 90 डिग्री एंगल ना बना के मान लेते थोड़ा सा इंक्लाइन करके लगा रहा है, ठीक है, मतलब इंक्लाइन मतलब तिरछा भाई, तो उसका दो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, एक एक्स कंपोनेंट मतलब एक साइन कंपोनेंट टूटेगा, कॉस कंपोनेंट टूटेगा, और फिर हम लोग वहां पे देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्लियर हुआ, तो वही है कॉस थीटा यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखिए इस डायग्राम को समझाता हूं मैं, इस डायग्राम को मैं यहां पे लेके आता हूं, पहले बड़ा करते हैं इसको, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, W कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो देखिए भाई, हम लोगों ने मान लिया है कि ये एक इन्फिनिटी पॉइंट था, और इस इन्फिनिटी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ था Q नॉट, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसको A पॉइंट पे ले आया, ठीक है, अभी इसे समझिए, अभी आपका जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट A पॉइंट पे पड़ा हुआ है Q नॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहले लेकर के आ रहा है, और ये जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये काफी छोटा डिस्टेंस है, काफी छोटा, ठीक है, डी एक्स मान रखा है, डी एक्स लिखा मतलब काफी छोटा डिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट पे लाने के लिए हम लोग जो फोर्स लगा रहे होंगे वो भी काफी छोटा होगा, सही बात है, ठीक है, मतलब भाई इसको ए से बी पे ला रहे हैं, तो सीधी सी बात है फोर्स भी काफी कम लगेगा, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा आपको, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ।
तो सीधी सी बात है ए से बी पे लाएंगे तो हम लोग को एक छोटा सा भगदंड करना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, सीधी सी बात है भगदंड भी छोटा होगा। तो मान लेते हैं ये आपका छोटा सा भगदंड है, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसके जगह बताइए, ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे कॉस थीटा भी लिख देता हूँ मैं। अब देखिए ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का फॉर्मूला बताइए पहले मेरे को, फोर्स इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा भाई, और यहां से देखिए ये जो क्यू है, क्यू से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है कितना एक्स है, तो सीधी सी बात है अगर आपने क्यू नॉट को इसके ऊपर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस क्यू नॉट को बाहर तक धकेलेगा। ओके, यानी इस पॉइंट पे रखा हुआ फोर्स निकालना आपको, तो फोर्स क्या लगेगा बताइए, इस डायरेक्ट मतलब पहले निकालेगा ना, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा पहले मुझे बताइए, फोर्स क्या लगेगा बताइए, एफ इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, और डिस्टेंस यहाँ पे डी मान रखा है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा हो गया फोर्स, क्लियर हो गया। ये फोर्स किसके चलते लगेगा, इसका जो फील्ड बन रहा है, मेन चार्ज का जो फील्ड बन रहा है उसके चलते इसको बाहर तरफ धकेलेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है ये जो फोर्स बाहर तरफ लगा रहा है, अब क्योंकि मुझे ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट पे लाना है भाई, तो इसी के बराबर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जो मैंने यहां पे W का फॉर्मूला लिखा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो जो फोर्स लगाएंगे किस मैग्नीट्यूड का लगाएंगे बताइए, किस मैग्नीट्यूड का लगाएंगे भाई, इस डायरेक्शन में जो अब धकेल रहा है तो उसी को कैंसिल करने के लिए मुझे सेम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मतलब सेम से थोड़ा सा हल्का लगाना पड़ेगा, हल्का सा स्लाइटली, लेकिन हम लोग दोनों बराबर मान के चल रहे हैं यहां पे। जैसे यहां पे समझिए ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब सीधी सी बात है इस ब्लॉक के ऊपर इधर से कोई धकेल रहा है भाई, ठीक है, इधर से पहले से ही कोई आदमी धकेल रहा है, ठीक है, कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से, ठीक है। अब सीधी सी बात है ये ब्लॉक जो है ए पॉइंट पे रखा हुआ है, क्लियर हुआ। अब मुझे ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट पे लेकर के आना है, तो सीधी सी बात है मैं भी इधर से फोर्स लगाऊंगा, राइट, लेकिन ये जो फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में वो भी क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन के बराबर, नहीं 10 न्यूटन से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ब्लॉक आगे की तरफ भागेगा, समझ रहे बात को। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि ए पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, इस पे पहले बताइए इस फील्ड के चलते क्या फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा, और क्योंकि इसी फोर्स के अगेंस्ट हम लोग को काम करना है, तो जो हम लोग फोर्स लगाएंगे, अपना फोर्स जो लगाएंगे धक्का देकर के जो फोर्स लगाएंगे हाथ से, वो भी तो इसी के बराबर होगा, समझ रहे हैं, या फिर कहीं इसे थोड़ा सा बड़ा होगा, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पे वर्कडन जो बोला हम लोगों ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाएंगे तो सीधी सी वर्कडन होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला डालेंगे, फोर्स का वैल्यू डालेंगे, कौन सा फोर्स डालेंगे जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसी के जस्ट सेम मैग्नीट्यूड वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये यहाँ पे हम लोग एफ की जगह पुट करेंगे, क्लियर हो गया। और डिस्टेंस दिया हुआ है डी एक्स की, छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। सो तो यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा इंटू डी एक्स, और यहाँ पे जो कॉस थीटा था ये ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा का वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोग फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं, ठीक ना भाई, एक फोर्स इधर लग रहा है मतलब फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं ना हम लोग, फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है लेकिन हम लोग इधर आना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप फील्ड के अगेंस्ट काम कीजिएगा तो यहाँ पे थीटा कितना है, आप इधर तरफ फोर्स लगा रहे हैं इधर तरफ, मतलब 180, मतलब बस समझिए कि अगर आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं ना भाई, तो वहां पे जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, ठीक है। यानी ओहो पूरा मिटा दिया मैंने, देखिए ये जो होगा ना कॉस थीटा, ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 180, क्लियर हुआ। और कॉस 180 का कीजिएगा तो पूरा पूरा वैल्यू आ जाता है -1, ओके। यही दिक्कत है भाई, फिर से लिखना होगा मेरे को, देखिए छोटा सा जो वर्क डन होगा ये हो जाएगा फोर्स यानी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर डी स्क्वायर इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स, और कॉस 180 कर लीजिए आप, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो कॉस 180 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, छोटा सा जो वर्क डन होगा ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर डी स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, यानी आगे में आपका माइनस लग जाएगा। क्लियर हो गया। ये जो छोटा सा आपने वर्क डन किया है, ये छोटा सा वर्क डन आपने किसके लिए किया है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने के लिए किया है। लेकिन हम लोग को ए पॉइंट से कहाँ जाना है, पी पॉइंट पे जाना है, यानी हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालने के क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है भाई, देखिए ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ये सब आप पावर सिस्टम सब पढ़िएगा ना, वहाँ पे मैंने बहुत ही स्लो तरीके से डिटेल में बताया, इतना छोटा सा डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतना फोर्स लग रहा है, तो सीधी ऐड करना होता है एक तरीके से, फिर यहाँ से सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना फोर्स लगे, यहाँ से मतलब तोड़ तोड़ के। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि छोटे से पार्ट को फिर से हम लोगों ने क्या क्या पूरा पूरा जोड़ दिया है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा हम लोग को। देखिए न्यू पेज पर आता है भाई, इसमें डिस्टर्ब कर रहा बार बार। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इधर जो मेरा जो छोटा सा W था कितना से कितना, जीरो से लेकर के हम लोग कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे टोटल W जो भी वर्क डन करना होगा वो इधर हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर डी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से, क्योंकि चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं ना। ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं आपका, एक मिनट बुक में देख लेता हूँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से आपका जो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस कैसे मैंने ले लिया समझिए, देखिए हम लोग का ये डायग्राम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो है भाई इन्फिनिटी से कहाँ जाना चाहते हैं, इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं, पी पॉइंट पे। तो सीधी सी बात है क्यू और पी के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी ही तो है, समझ के बात को। हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया भाई, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है नहीं, कितना एक्स स्क्वायर है ना फोर्स का फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर होगा भाई, भाई मिस्टेक से हो गया, एक्स स्क्वायर क्यू और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ना ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लगेगा, यही तो है। इसको खत्म ही कर देते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, यही तो है डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम लोग कहाँ से आना है, इन्फिनिटी से यहाँ पे आना है। ठीक है, इस पॉइंट पे आना, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट पे आने के लिए डिस्टेंस कितना बच रहा है आपका, मतलब लिमिट कितना है, मतलब इन्फिनिटी से डी पॉइंट पे आना चाहते हैं ना। ओके, तो वही आपके यहाँ पे डी। अब हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लेंगे, देखिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई ई नॉट ई आर सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और अंदर आ जाएगा आपका इन्फिनिटी से लेके डी, ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को ही हम लोग क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, ये फंक्शन होता है भाई। अब इंटीग्रेशन में आपको कैसे बताऊँ यहाँ पे, ठीक है ये सब आपको पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है, ठीक है कांस्टेंट कैसे मानता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्क डन जो कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही वेरिएबल है ना, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी से कहाँ जा रहे हैं एक तरीके से, पी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है एक तरीके से, चेंज हो रहा है। तो डी एक्स जो है आपका कुछ नहीं, डी एक्स क्या माना था हम लोगों ने, डी एक्स कुछ नहीं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने के लिए यही तो डिस्टेंस था आपका डी एक्स, समझ गए, ए पॉइंट पे आपने रखा था, यहाँ से पहले बी पे गए तो ये स्मॉल डिस्टेंस हुआ डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यानी यही इसी का इंटीग्रेशन होगा एक तरीके से। अब देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करिएगा, तो साइड में मेरे को बताना पड़ेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा भाई, तो ये कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैथमेटिकली समझिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस टू लिख सकते हैं, समझ में आया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर माइनस टू, और ऐसा जब होता है प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्या होता है एक्स का पावर माइनस टू, यानी इसका इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ, ये हो जाए आपका एक्स माइनस टू प्लस वन करेंगे और ये पावर नीचे आ जाता है, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए इतना। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, एक्स का पावर माइनस वन बचेगा और नीचे में क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये नीचे में माइनस है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऊपर में ले सकते हैं ऐसे,
क्लियर हुआ भाई, ये नीचे में माइनस वन है तो आगे में अच्छा लग जाएगा ना माइनस, समझ गए। और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस है, माइनस रहने देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाय एक्स, क्लियर हुआ। यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा ओवरऑल ये आएगा माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, ये हो जाएगा इसका तो कर ही दिया हम लोगों ने इंटीग्रेशन, हो जाएगा आपका माइनस वन बाय एक्स, लिमिट हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से डी, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये वन बाय एक्स है माइनस है तो बाहर ले लेते हैं, यानी प्लस हो जाएगा, यानी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, ये हो जाएगा आपका एक बार, ये हो जाएगा आपका वन बाय इन्फिनिटी, मतलब अपर लिमिट पुट करेंगे ना पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वन बाय डी हो जाएगा फिर आपका वन बाय इन्फिनिटी, ठीक है। तो ओवरऑल इसका क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी आपका क्या आ गया एक तरीके से, ये आ गया ओवरऑल जो वर्क डन आपने किया कहाँ से, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए, ये हो गया आपका क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, और ये हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कूलम्स लॉ का जो फोर्स वाला फार्मूला था, फोर्स का वाला फार्मूला क्या था, वहाँ पे आपने देखा था ये होता है क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होता था भाई हमेशा, ठीक है। लेकिन जो आपने वर्क डन किया यहाँ पे, वर्क डन में कभी भी डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर था, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाता है वन बाय एक्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर लिमिट पुट करें तो वन बाय डी हो जा रहा है, क्लियर हुआ। यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा। ये आपने क्या निकाला अभी, ये आपका अभी सिर्फ और सिर्फ निकला है जो आपने पोटेंशियल निकाला, आपको पोटेंशियल निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, तो आपने अभी डब्ल्यू निकाल दिया भाई, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आप पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करिए यहाँ पे डब्ल्यू की जगह, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, और यहाँ पे हो जाएगा d, और नीचे में q नॉट है तो q नॉट कहाँ आ जाएगा, इसका ऊपर में आ जाएगा, तो यहाँ पे q नॉट से q नॉट कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आया आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते एक पर्टिकुलर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये हो जाएगा v बराबर q डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर इंटू डी डिस्टेंस, क्लियर हुआ। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये वह सिंगल पॉइंट के चलते, मतलब सिंगल चार्ज के चलते, वही अगर तो उसको आगे कर लेंगे भाई, ठीक है, मतलब अगर दो तीन चार्ज ग्रुप में है, ठीक है, तो उसके चलते भी हम लोग निकाल लेंगे इसी तरीके से, एक को लेंगे तो दूसरे को डेड कर देंगे, ठीक है, तो उसके चलते देखेंगे पहले पोटेंशियल, ओके, उसके फिर दूसरे के चलते देखेंगे, उसका फिर जो भी इनका नेट होगा जोड़ के हम लोग निकाल लेंगे, ओके। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा भाई वो किसके बारे में पढ़ा, सिंगल चार्ज और डबल चार्ज के बारे में पढ़ा, दो ही चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ इतना लंबे समय से, कितना एक घंटे का वीडियो हो गया, 53 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। अभी तक मैंने आपको दो चीज़ बताए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कहाँ आएंगे, अभी तक जो चल रहा था कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, सिंगल चार्ज, ठीक है, कहीं पे भी कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके चलते इसके इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताइए, फिर कहीं इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, ठीक है, ये चल रहा है। अब हम लोग डाइपोल को लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, पहले डाइपोल वाला करवा देता हूँ, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये हो गया क्यू माइनस क्यू, तो एक हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। ये मान लेते हैं ए पॉइंट पर रखा हुआ था, ये मान लेते हैं आपका बी पॉइंट पर रखा हुआ था, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा बताया मैंने कि आपका क्या होता है 2a मान सकते हैं, फिर 2l मान सकते हैं, मान लेते हैं ओ पॉइंट है, सेंटर मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं आपका l है, तो सीधी सी बात है इधर वाला भी क्या हो जाएगा l हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2l हो जाएगा, क्लियर हो गया। और एक चीज़, इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था भाई, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं Q1 है ये Q2 है,
तो अगर सिंपल चार्ज है, अगर डाइपोल नहीं है, ठीक है, मान लेते 10 कूलाम का है, ये मान लेते 8 कूलाम का है, तो कभी भी डाइपोल होगा नहीं, क्योंकि डाइपोल में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये इस तरीके से दिखाते हैं, प्लस से माइनस दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन डाइपोल के केस में क्या होता है भाई, जैसे माइनस चार्ज है माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं ना, जो कि इसके स्ट्रेंथ को बताता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी चार्ज का प्लस क्यू लिया माइनस क्यू लिया, इसका मैग्नीट्यूड इनटू जो लेंथ है, इसका लेंथ हमेशा 2L या फिर 2A किसी किसी बुक में लेकर के चलता है, ठीक है, ये होता है। तो जो डायरेक्ट, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है भाई हमेशा, जैसे नॉर्मल चार्ज के लिए क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है, लेकिन डाइपोल के केस में हमेशा उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो होगा ये माइनस से प्लस की तरफ होता है भाई, ठीक है, यही एक गलती कर दिया था मैंने, तो उसको आप एक बार वो कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सही, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पे चीज को सही कर लेना। तो अभी हम लोग पास है डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब हमारा आपको बता रखा है ऑलरेडी। अब हम लोग इसको फर्दर आगे करते हैं, देखिए अब हम लोग डाइपोल में आकर के क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो पहला केस लिखता हूँ यहाँ पे, केस वन क्या लिखेंगे, आपको बताना है यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं सीधे सीधे, इंटेंसिटी स्लैश आप फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। एट सेंटर, ठीक है, मतलब एट पॉइंट ओ मान लेते हैं यहाँ पे, ओ क्या हो जाएगा सर, सेंटर हो जाएगा, एट पॉइंट ओ, ठीक है, यानी सेंटर पे आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, इस सेंटर पे भाई क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, सीधी सी बात, मतलब इन्फिनिटी से उठाकर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज लग रहा है, एक माइनस के एक प्लस के, तो हम लोग क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे, जब हम लोग माइनस को कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग एबसेंट मान लेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले इतने दूरी वाले सिस्टम में काम कीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स बताइए, ओ पॉइंट पे इस माइनस क्यू के चलते फोर्स क्या लगेगा, मान लेते हैं एफ वन लग रहा है, और डायरेक्शन कैसे होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ऐसे खींचेगा ये, ठीक है, डायरेक्शन दिखा देता हूँ, डायरेक्शन नीचे में दिखा, ऐसे ऐसे खींचेगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि मेन चार्ज मेरा माइनस क्यू है यहाँ पे, ठीक है, और क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, डिस्टेंस कितना बताइए माइनस क्यू से ओ के बीच में, ये है एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो फोर्स लगा यही क्या हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी हो जाएगा, क्लियर हो गया, मान लेते ई वन है, डायरेक्शन भी इसका इसी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपका इंटेंसिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है सेकंड केस में, सेकंड केस में अब क्या कीजिए, इतने दूरी वाले सिस्टम को फोकस कीजिए, कलर चेंज करता हूँ मैं, देखिए इतने वाले दूरी पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों डेड कर लेना इस वाले डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, F2 लगेगा जिसको धक्का देगा, बाहर तरफ धक्का देगा इसको, ठीक है भाई, मतलब ये जो है इसको धक्का देगा ना, ठीक है, तो F2 मान लेते हैं रिपेल करेगा, F2 क्या हो जाएगा, Q into Q naught divided by 4 pi E naught ER, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे भी आपका L स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब देखिए यही इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो जाएगा E2, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पॉइंट पे, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फील्ड स्ट्रेंथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो देखिए E1 क्या है, यहाँ पे माइनस लगा हो भाई, ठीक है, तो माइनस Q Q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट ई आर, डिस्टेंस है मैंने यहाँ पे L स्क्वायर, प्लस है प्लस दे देंगे, और E2 का वैल्यू क्या है, E2 का वैल्यू ये है, ठीक है, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट ई आर L स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट साइन में, तो दोनों कट जाएगा, और दोनों कट गया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और अगर आपको उसके सेंटर पे मिड पॉइंट पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस सेंटर पे, अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता है, ये तो आपने इंटेंसिटी बताया, अगर आपसे कोई पोटेंशियल बोलता, पोटेंशियल बताओ,
तो कैसे निकालेंगे या फिर वो कितना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, पोटेंशियल इक्वल टू हम लोग पता है कि जो भी इन्फिनिटी से, इसके लिए फिर से एक नया डायग्राम बनाता हूं भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ए पॉइंट पे मान लेते रखा हुआ है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट पर रखा हुआ है, और इधर मान लेते कोई इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट ओ, क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है भाई, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये एल होगा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका एल होगा, क्लियर। अब टोटल मेरा डिस्टेंस आपको पता है हमेशा 2L होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको पहले आप भूल जाइए, ये जो आपका B पॉइंट पे प्लस Q रखा हुआ इसको स्विच कर दीजिए, डेड मान लीजिए, ठीक है, यानी अब बचा ये वाला सिस्टम। तो इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहां पे रखने के लिए जो भी हम लोगों ने वर्क डन किया होगा भाई, वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसके चलते जो है वी वन है, ठीक है, मतलब इस चार्ज के चलते यहां पे पोटेंशियल बनेगा ये वी वन है, वी वन इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज होता है हमेशा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बताइए, जो वर्क डन होगा यहां पे, वर्क डन क्या होगा बताइए, ये चीज आपको भाई आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, देखिए, या फिर अब हम लोग इतना नहीं करेंगे, यहां पे एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग डेड मान लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग जब डेड मान ले रहे हैं तो अगर आप इस सिस्टम को अगर आप फोकस करें तो ये सिस्टम कैसा हो गया कि एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसी में ये पॉइंट लिया हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया ना भाई कि पॉइंट चार्ज के चलते किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी याद है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किया था, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो पहले मैंने वर्क डन निकाला, ठीक है, यहाँ पे एफ इंटू डी एक्स किया था मैंने, फिर इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया फोर्स का फॉर्मूला डाल करके, समझ रहे। तो अब हम लोग बार बार ऐसे नहीं करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिराइव कर रखा है फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, समझ गए, यानी इतने के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये था आपका जो मेन चार्ज था, यहाँ पे मेन चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू इंटू टेस्ट चार्ज था यहाँ पे जो कि कट जाता था, याद आया होगा, कट गया था आपका, ठीक है, तो ऊपर में सिर्फ मेन चार्ज था डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई, और यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस था, तो एल कर दिया मैंने। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसको डेड कर लेंगे और फिर इतने दूरी में देखेंगे, ये वाले दूरी में, ठीक है, अब ये वाले दूरी में देखेंगे तो सीधी सी बात, अब ये पॉइंट चार्ज हो गया, अब इस पॉइंट चार्ज के चलते यहाँ पे अब आपको बताना, तो यहाँ से फिर से इन्फिनिटी से उठा करके इसको यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसके चलते इसका पोटेंशियल क्या बनेगा, तो मान लेते हैं वी टू है, तो वी टू इक्वल टू अगेन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगाइए वही वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेन चार्ज यानी यहाँ पे क्यू है, फोर पाई ई नॉट ई आर, यहाँ पे आपका डिस्टेंस एल होता है। तो देखिए, तो अब इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो गया, एक वी वन एक वी टू, दोनों चार्ज के चलते, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, वी वन प्लस वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का नेट पोटेंशियल हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ कि ये जो वी वन था इसका मैग्नीट्यूड में बस आगे, ये पूरा सेम है, बस आगे माइनस लगा हुआ है, और ये आपका पूरा पूरा आगे में प्लस लगा हुआ है, यानी सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो वी वन वी टू कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्लियर हुआ। यानी अगर आपके पास कोई डायपोल है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेस्ट चार्ज को उठा करके इस सेंटर पर रखने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वर्क डन कब करना पड़ता है, जब फील्ड यहाँ पे कोई को अपोजिशन मिलता है, कोई अपोज करता है, जहां पे हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है इस फील्ड के अगेंस्ट, यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्लियर हो गया, इतना क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं आगे, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आप क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट भाई, ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि मेरे पास बोल रहा है एक चार्ज है ना, चार्ज मतलब ये टेस्ट चार्ज की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। मतलब क्या बोला क्वेश्चन में कि आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल है, तो अगेन यहां पे दिखाते हैं, ये मान लेते हैं आपका माइनस क्यू है ए पॉइंट पे रखा हुआ,
ये मान लेते हैं आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू रखा हुआ है, ये इसका ओ हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी एल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी एल हो जाएगा, क्लियर हो गया। टोटल दूरी बोलेगा तो 2L हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा भाई कहाँ लेकर क्या रहे स्ट्रेस चार्ज को, कहाँ लेकर आ रहे, इन्फिनिटी से लेकर क्या रहे, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब ये, इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। बाइसेक्ट का मतलब होता है सेंटर, मतलब 50-50, ठीक है भाई, आधा करना, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट के बारे में बोल रहा, मान लेते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आपका आर है, मतलब इसका जो बाइसेक्टर होगा परपेंडिकुलर इसके ऊपर जो होगा, इसका कोई दूरी होगा आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे आपको बताना है क्या, कितना हम लोग को वर्कडन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पूछा है, द वर्कडन इज, कितना वर्कडन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लाने के लिए। मान लेते जो पॉइंट है आपका पी पॉइंट है, क्लियर हुआ, यानी इधर इन्फिनिटी कोई, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से उठा करके इस डाइपोल के अंदर इसके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर के ये पी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्कडन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, तो सीधी सी बात है ये चार्ज भी यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक पोटेंशियल बनाएगा, क्योंकि वर्कडन पूछा है आपसे, ठीक है, ठीक है, वर्कडन पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल क्यों निकालते हैं, थोड़ा सा मैं स्लीपर डाल लेता हूँ भाई, फर्श काफ़ी ठंडा लग रहा है। ओके देखिए, सीधी सी बात है भाई, अगर मेरा यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो आया, इस चार्ज के चलते जीरो आया, इसके चलते भी, मतलब सीधी सी बात है, इसके चलते आया मान लेते हैं माइनस में, इसके चलते आया प्लस में, दोनों सेम मैग्नीट्यूड गए, तो दोनों कैंसिल आउट करके पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अभी जैसे सेंटर पे मैंने निकाल के बताया, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ही जीरो हो गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप अगर बाहर से लेकर के आ रहे थे, यहाँ पे लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, कोई इसको अपोज ही नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात आपको वर्कडन करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, यानी यहाँ पे अगेन मेरे को दो वोल्टेज निकालना पड़ेगा, वी वन इसके चलते माइनस क्यू के चलते, और वी टू जो है आपका प्लस क्यू के चलते, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को पता है ऑलरेडी यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस चाहिए, मतलब इस चार्ज ही चलते इस पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो मेरे को डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला, समझ रहे हैं। और अगर इस चार्ज के चलते यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस चाहिए। भाई जैसे हम लोगों ने जब मिड पॉइंट पे निकाला था, सेंटर पे निकाला था, इस पॉइंट पे निकाला था, क्या किया था, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को पता था, एल, समझ रहे बात को, या फिर कहीं इस चार्ज के लिए यहाँ पे निकाला था तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को पता था। तो अगर हम लोग इस केस में इस चार्ज के चलते यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो हम लोग को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्लियर हुआ, यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो इसका बेस है ये तो हम लोग को पता है एल, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसको भी मैंने आर मान लिया है, तो सीधी सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर होता है तो उधर जाएगा तो रूट चला जाएगा, नहीं इसका लेंथ हो गया ये वाले का। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये आर मेरे को पता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये इसका बेस पता है मेरे को, ये भी आपका एल है, तो सीधी सी बात है भी आपका आ जाएगा, एच करके निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसी डायग्राम को आगे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं। देखिए ये हो गया आपका पी पॉइंट, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये आपने बाइसेक्ट कर दिया, ये ओ पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एल हो गया, यहाँ पे आपका ए पॉइंट था, यहाँ पे आपका बी पॉइंट था, ये दूरी कर दिया आपने एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट, ये कर दिया आपने एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये दूरी जो था आपका आर था, क्लियर हो गया, ये आपका एल था, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस क्यू है रखा हुआ, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है रखा हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसके चलते मैं बताता हूँ, इसके चलते जो पोटेंशियल होगा V1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के चलते, ठीक है, बार बार लिखूंगा नहीं, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मेन चार्ज मैंने यहाँ पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाय होता है 4πE0ER, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, इसलिए रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से V2 की बात करें तो V2 क्या हो जाएगा, ये मेन चार्ज
प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए तो सीधी सी बात है, ये आपका नेट यहाँ पे क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे यानी नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2। और आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड सबका सेम है, बस साइन चेंज है, माइनस है ये प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल मेरा यहाँ पे जीरो मिलेगा, यहाँ पे पोटेंशियल मेरा जीरो हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर के आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो हम लोग को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, या फिर कहिए इसको फील्ड से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए क्या होगा, समझाता हूँ भाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो आपका माइनस क्यू है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इसको पहले डेड कीजिए, अगर आप इसको लेके चल रहे हैं तो इसको डेड कीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने क्या कर रहे थे कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, इसको क्या कीजिए, आप इसको जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं वहां पे रख दीजिए क्यू नॉट, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो सीधी सी बात है इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है वही डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यानी ईवन की बात करें, जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, सॉरी ऐसे है, तिरछा ऐसे, ठीक है, देखिए ना ऐसे लगा रहा है ना, क्या हो जाएगा बताइए, हम लोगों ने प्रूफ किया था जो फोर्स लगता है वही इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो फोर्स क्या लगेगा, माइनस क्यू, क्योंकि ये मेरा माइनस क्यू है, वो हो जाएगा मेरा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर, और यहाँ पे इनके बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर किए तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ये आ गया आपका ईवन, डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है ईवन का। अब देखिए इसको डेड कीजिए, इसको लेके चलिए, यानी अब अगेन इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को उठा के इस पी पॉइंट पर रख रहे हैं, तो इस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लेते E2, ये वाला चार्ज क्या है प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज क्या है क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी आर स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर जो भी बोलिए, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसका जो डायरेक्शन होगा ये इसको धकेलेगा बाहर की तरफ, ऐसे धकेलेगा, ठीक है, तो इसका E2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यानी P पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्शन देखें, एक जो है आपका E1 इस डायरेक्शन में है और दूसरा जो है E2 आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। और क्योंकि ये जो P पॉइंट था भाई, अब हम लोग पता करते हैं कौन सा बड़ा, E2 बड़ा है E1 बड़ा है, कैसे हम लोग पता करेंगे, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं जो फोर्स लगा है माइनस क्यू के चलते या फिर कहिए प्लस क्यू के चलते, दोनों में भाई डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है सेम है। हम मैंने आपको कैसे कंपेयर करना बताते हैं, कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कौन सा छोटा है, फिर कहिए कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा, हम लोगों ने देखा था कि ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, तो दोनों के केस में डिस्टेंस तो बराबर है, समझिए बात को, और डिस्टेंस बराबर है तो सीधी सी बात है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस इनका डायरेक्शन अलग अलग है, समझ गए। और जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा डिटेल में, और वेक्टर भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है भाई, मशीन में साथ से पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो देखिए ये जो वेक्टर है, जैसे वेक्टर का कुछ रूल होता है, देखिए अगर मान लेते इधर कोई वेक्टर है, मान लेते ए वेक्टर है, और ये मान लेते इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर, मतलब दोनों पैरेलल, मतलब इसके एंगल में दोनों में ए और बी के एंगल में कितना 0 डिग्री बन रहा है, यानी दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, समझ गया, अर्थमेटिक होता है, जब एंगल जीरो होगा तो ऐड हो जाता है। वही अगर मान लेते एक वेक्टर ए इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन होता है, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कंपोनेंट टूटेगा अब, ठीक है, समझ गए, इसको हम लोग एक्सिस पे रखेंगे तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, एक ये हो जाएगा, कलर चेंज करता हूं मैं, ठीक है, एक तो ये एक्स कंपोनेंट टूटेगा और एक इसका वाई कंपोनेंट टूटेगा, क्लियर हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखिए ये अपने आप में एक वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, एक ऐसे कंपोनेंट टूटेगा और एक ऐसे कंपोनेंट टूटेगा, ये एंगल होगा ये साइन मतलब कॉस थीटा होगा आपका, ठीक है, कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, और उसी तरीके से इसका भी कंपोनेंट टूटेगा, तो इसका एक कंपोनेंट टूटेगा इधर, ठीक है, E1 साइन थीटा,
मतलब जो भी एंगल होगा भाई, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दूसरा होगा ये इवन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, तो भाई ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है ना, बस डायरेक्शन अलग था इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो साइन कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ भाग रहा था, नीचे तरफ भाग रहा है, दोनों इसका सेम होगा, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी 180 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट के चलते, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट के चलते, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पी पॉइंट पे। तो आपने क्या देखा कि पी पॉइंट पे, पी पॉइंट को हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है। यानी कहाँ गया भाई हम लोग का, कहाँ हम लोग काम कर रहे थे, हाँ देखिए, इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, जीरो है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं है। इससे क्या समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो नहीं है, इसका मतलब, या फिर कहीं ऐसे कहीं, अगर कहीं का किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। क्लियर हुआ? तो अगर आप इन्फिनिटी से इसको उठा करके यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल नहीं, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, ये काफ़ी डिटेल वाला टॉपिक है भाई, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से काफ़ी समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके, और पीछे का जो लेक्चर दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, उसको भी रिवाइज कीजिए, आपका अच्छा खासा पोर्शन जो होगा कवर हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक डाइपोल है, और डाइपोल का जो पॉइंट मैंने बताया पी पॉइंट पे, आप क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल ही जीरो है, वोल्टेज ही जीरो है वहाँ पे, तो पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे लाने के लिए आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे।